पश्चिम बंगाल फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से 75 लोगों को भोजन करवाया गया। ये खबर हमारे पास जामुड़िया से आ रही है। जामुड़िया के जादू डांगा स्थित फुटबॉल मैदान में एक सादगीपूर्ण तरीके से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान संस्था से जुड़े लोगों ने, पदाधिकारियों ने 75 परिवार के लोगों को मुफ्त भोजन करवाया और उनकी मदद की। इस मौके पर एसोसिएशन से जुड़े तमाम पदाधिकारीगण मौजूद थे और उन्होंने यहाँ के ज़रूरतमंद लोगों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें भोजन कराया। আপনারা আমাদের মঞ্চের সামনে চলে আসুন। অনেক রৌদ্র রয়েছে, সেহেতু খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান আমাদের চলছে। যে সকল দুস্থ গরিব মানুষ আপনারা টোকেন পেয়েছেন, আপনারা আমাদের মঞ্চের সামনে চলে আসুন। আমাদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান চলছে, যেহেতু বিতরণ তুলে দিচ্ছেন ময়না বাউরি, উনি তুলে দিচ্ছেন রবি বাউরি মহাশয়কে। অনুষ্ঠান সেটা আমাদের চলছে। আমাদের তুলে দিচ্ছেন ছোট্ট একটা বাচ্চা, যারা যারা এখনো বাকি আছেন আমি তাদেরকে আমরা আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে সকলকে অনুরোধ করব, আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের মঞ্চের সামনে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়েছেন আমাদের মঞ্চ থেকে। সুমন হেমরাম, আজকে হুমেন বিংস ফাউন্ডেশন, হুমেন বিংস ফাউন্ডেশন ফার্মেসিস্ট অ্যাসোসিয়েশন की तरफ से ये प्रोग्राम किया गया था कि लॉकडाउन में जो लोगों को असुविधा हो रही है उनको एक प्रयास किया गया कि उनको कुछ मदद की जा सके। लास्ट इस बार जो शीत जो थी, ठंड में भी ये फाउंडेशन ने 1000 कंबल का वितरण किया था। आज 75 आदमियों को, मोटा मोटी गरीब जरूरतमंदों को के बीच में राहत सामग्री दी गई है। आगे क्या लक्ष्य रहेगा कम या फाउंडेशन की तरफ से? देखिए, हम लोग की तरफ से अगले लक्ष्य एक ब्लड डोनेशन कैंप भी हो रहा है। पिछले हर बरस हम लोग दो बार ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। उसके बाद जो जनवरी में कंबल वितरण हुआ था उसके बाद भी छोटा सा काम किया, लेकिन उसमें इतना बड़ा नहीं। आज हम लोग प्रयास किया है कि कम से कम 70 से 90 तक आदमी को थोड़ा सा खाद्य सामग्री वितरण करें। और अगले जो अगस्त महीने में और एक ब्लड डोनेशन कैंप का प्रयास कर रहा है, हो सके तो जल्दी ही कर सकेगा। और उसके बाद जो अगले दिसंबर को फिर भी हम लोग हर स्कूल में, मैंने एक स्कूल में, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो जरूरतमंद है उनको लिखा है कॉपी पेंसिल और किताब लिखने पढ़ने का सामग्री थोड़ा सा देता है। यही हम लोगों का अगले इच्छा है। ह्यूमन बीइंग फाउंडेशन लास्ट दो बरस से ऐसे काम कर रहा है। हम दोस्तों लोगों को, जो लोग कोई नहीं देखता है वो उसका पास में हम हर बरस रहता है। कोई भी काम, हेल्थ चेकअप कैंप भी करता है, ब्लड डोनेशन कैंप भी करता है। हम 2017 साल से 4-5 स्कूल में जो दोस्तों स्टूडेंट है खाता पेन वितरण किया है, उसका हेल्थ चेकअप किया है। हेल्थ चेकअप में वो डेंटिस्ट भी आया था, आई स्पेशलिस्ट भी आया था, हम लोग का उद्योग में किया है। ऐसे ही मेरा फाउंडेशन चलता रहेगा, सबका उद्योग है, इसलिए हम लोग, आप लोग रहेगा तो सब आगे चलते रहे। हम उत्तम कुमार मेटिया, कन्वेनर है ह्यूमन बीइंग फाउंडेशन का तरफ से।